दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा SSCS वर्सेस VFNR के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फेव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फेव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फेव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फेव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 रुपये विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 रुपये विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फेव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में जो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन होने वाले वो जूलियन का होने वाला है, जो कि ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। लास्ट ओवर में 4 रन पे आउट हो गए थे दोस्तों, और अगर रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में मैं बात करूं तो तकरीबन 90+ रन इन्होंने करे, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो जाते हैं। हेनरी के बारे में अगर हम बात करें, इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर रीसेंट के मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूं, इनके परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों किस टाइप का रहा है, तो 160+ रन इन्होंने करे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे, ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केल ऑरे इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मिनट 35 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी, और रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तकरीबन 58 रन इन्होंने अभी तक करे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीटर काफ़ी नीचे आएंगे तो इनको तो आप ड्रॉप कर सकते हो, और तीनों विकेट कीपर को अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि तीनों ही ओपन करेंगे और T10 में ओपनर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैटिंग में एमान्युअल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मिनट में 13 रन इन्होंने करे, उससे पहले 42 रन इन्होंने करे, फिर 14 रन करे दोस्तों, 17 रन इन्होंने करे और 14 रन करे। वैसे तो ये एक हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, बट रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ठीक रही है, लेकिन एक बड़ा स्कोर अभी तक नहीं कर पाए, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। एडवर्ड्स के बारे में बात करें, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लेकिन यार फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। रीसेंट के अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूं, सिर्फ 25+ रन अभी तक कर पाए हैं, तो इनको तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डी एंथनी का ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट के अगर 5 मैचेस के बारे में मैं बात करूं, तो यहाँ पे तकरीबन 50+ रन अभी तक इन्होंने करे हैं। एडी मुंड के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर जो रहने वाला है वो आपको इनका काफ़ी नीचे देखने को मिलने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। डी थॉमस के बारे में बात करें, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे और एक अच्छे प्लेयर है। लास्ट मिनट में 48 रन इन्होंने करे, उससे पहले 21 रन करे दोस्तों, फिर 16 रन करे, 31 रन करे और 42 रन करे। इस मैच में मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। वहीं यहाँ पे के एडवर्ड्स का आपके पास ऑप्शन है, जो कि ओपन करेंगे। हालांकि लास्ट रन में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 31 रन करे, फिर 10 रन करे, फिर 0 रन करे और 1 रन करे। इस मैच में मैं इनको भी अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। इस मैच में मेरे ट्रंप प्लेयर होने वाले, बाकी यहाँ से कोई खास ऑप्शन नहीं है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो एमान्युअल को रख सकते हो, मैं अभी तो ड्रॉप कर रहा हूँ, हो सकता है टॉस के बाद रख लूँ, वो अपडेट टेलीग्राम पर आप
आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़ जाइएगा। दोस्तों ऑलराउंडर में प्रॉस्पेरे लास्ट मैच खेले नहीं, ये मैच खेलेंगे, तो मैं अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी बी टिसॉन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नंबर 5-6 पे आपको नजर आने वाला है। बाकी बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले और रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, बट अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा बैटिंग कर लेते तो वहाँ पर आपको प्लस पॉइंट हो जाता है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। मैथ्समैन एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले, लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले, पर एक अच्छी बात यह है कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं दोस्तों नंबर 5-6 पर ही, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। प्रॉस्पेरे का कोई अता पता नहीं है, रिस्की प्लेयर है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी के गासी के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में, पहले इनकी टीम बॉलिंग कर रही है तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाला, उससे पहले 3 मैचेस में 0 विकेट ये निकाल कर आ रहे थे। अभी के लिए 2 हमारे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग के बारे में बात करें, डी मॉनरोस का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो। हालांकि लास्ट ओवर में तो विकेट लेस गए थे, बट रीसेंट के 5 मैचेस में 5 ही विकेट इन्होंने निकाले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनको लेके चल सकते हो। डी सोलोमन आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जिनको इस मैच में आप अपनी टीम में रख सकते हो। ओपन डेट में बॉलिंग करवाते हैं, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। बाकी यहाँ पे डाडोरे का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, टायरन लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, ओपन में भी बॉलिंग करवा लेते हो, रीसेंट के 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट निकाले। बाकी जे चार्ल्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें, 4 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होने वाले वो एक और प्रॉस्पेरे, डब्लू प्रॉस्पेरे, वैन प्रॉस्पेरे, लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें दोस्तों, 4 विकेट निकाले, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, आर मॉस का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओपन और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाते हैं, लास्ट 4 मैचेस में अभी तक 2 विकेट नहीं ये निकाल पाए। फिलहाल मैं यहाँ पे डी सोलोमन को अपनी टीम में रख रहा हूँ, जे चार्ल्स हो जाएंगे और प्रॉस्पेरे हो जाएंगे दोस्तों, या फिर आप आर मॉस को भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात आती है, जो अच्छी फॉर्म में चल रहे, देखो एस मैथ्समैन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग आपको करके देंगे। अदरवाइज इनके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाले, एक जे हेनरी ऑप्शन होने वाले, और यहाँ पे इनके साथ साथ अगर आप किसी और पे रिस्क लेना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई खास ऑप्शन होने वाला है, तो मैथ्समैन को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो और हेनरी को कैप्टन कर सकते हो। बाकी जूलियन का ऑप्शन होने वाला है, बट ये थोड़े से हिट और मिस टाइप के प्लेयर मुझे लगते हैं दोस्तों। फिलहाल ही हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए दोस्तों सब्सक्राइब।